नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएसएससी अनुदेशक के 232 पदों पर नियुक्ति। शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर शिक्षा विभाग ने दिया ये निर्देश। बिहार के बांका में खुदाई में निकले चमकीले पत्थर। पटना में एक ट्रक शराब बरामद। माही के आईपीएल में संन्यास पर बोले केविन पीटरसन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी अनुदेशक के 232 पदों पर नियुक्ति। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बिहार सचिवालय के आंसू लिपिक सेवा संवर्ग के अंतर्गत अनुदेशक के 232 रिक्त पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप इस रिक्त पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जून तक निर्धारित की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें महिलाओं को 36 आरक्षण 35% के तहत 31 पद शामिल हैं। मालूम हो कि अगर इस परीक्षा के लिए 40,000 से अधिक आवेदन होंगे तो हिंदी और अंग्रेजी में वस्तुनिष्ठ 150 प्रश्नों के 2.25 घंटे के प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर शिक्षा विभाग ने दिया ये निर्देश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा प्रदेश के सभी कुलपतियों को पत्र लिखकर शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर एक निर्देश दिया गया है। बता दें कि दिए गए इस निर्देश के तहत कुलपतियों को कहा गया है कि शिक्षकों की प्रोन्नति एडवांसमेंट स्कीम के तहत ही की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है और आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो पदाधिकारी के ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोन्नति के लिए इंटरनेशनल और नेशनल पेटेंट रिसर्च प्रोजेक्ट की संख्या और ई कंटेंट में उसकी दक्षता और उपलब्धि की अहम भूमिका निर्धारित की गई है। मालूम हो कि स्कीम के तहत शिक्षकों की प्रोन्नति 3 सारणियों के आधार पर तय की जाएगी। पटना और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 20 मई से शुरू होगी एडमिशन प्रक्रिया। अगर आप भी पटना और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने की चाह रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बहुत जल्द ही ये दोनों यूनिवर्सिटी नए सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार यह प्रक्रिया 20 से 22 मई तक शुरू कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दूसरी बार होगा जब यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन के लिए आवेदन निकाले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक बार एडमिशन के लिए आवेदन निकाला जा चुका है, लेकिन राजभवन के आदेश के बाद दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन के लिए आवेदन को रद्द कर दिया गया था। वहीं अब एक बार फिर आवेदन की शुरुआत की जाने वाली है, जो कि 4 साल के ग्रेजुएशन के लिए होगी। मालूम हो कि पीपीयू के कुलपति प्रोफेसर आरके सिंह के द्वारा बैठक कर एडमिशन का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार 30 जून तक एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और 4 जुलाई से नए सत्र की शुरुआत हो जाएगी। बिहार के बांका में खुदाई में निकले चमकीले पत्थर। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिहार के बांका जिले के जयपुर इलाके में खनिज संपदा का भंडार मिल सकता है। बताया जा रहा है कि यहां से क्रोमियम निकेल जैसे खनिज मिल सकते हैं। बता दें कि इसको लेकर बीते 4 दिनों से भारत सरकार की जियोलॉजिकल टीम के द्वारा जमीन से 650 फीट नीचे से ड्रिल मशीन के द्वारा सैंपल इकट्ठा की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खनन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस स्थान पर 500 वर्ग किलोमीटर में खनिज संपदा का भंडार हो सकता है। वहीं बीते दिन खुदाई के दौरान इस स्थान से चमकीले पत्थर मिले हैं, जिससे कि उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। वहीं खुदाई के दौरान जो भी अंदर से निकाले जा रहे हैं उसके सैंपल को धोने के बाद सुखाकर डिब्बों में पैक कर जांच के लिए पटना भेजा जा रहा है। आयरन जैसे होंगे पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म। बिहार की राजधानी पटना में बन रहे पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म बिल्कुल आइलैंड प्लेटफॉर्म जैसे होंगे। यानी कि जब आप अंडरग्राउंड स्टेशन पर खड़े होंगे तो आपको दोनों ओर गाड़ियां चलती दिखेंगी और साथ ही मेट्रो की पटरियां प्लेटफॉर्म के समानांतर होंगी और दोनों ओर होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को ही आइलैंड प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसमें सबसे लंबा अंडरग्राउंड स्टेशन पटना जंक्शन के पास होगा, जिसकी लंबाई 345 मीटर और ट्रैक की गहराई जमीन के स्तर से लगभग 23 मीटर होगी। मालूम हो कि अंडरग्राउंड स्टेशन कॉरिडोर 2 का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होगा, जो कि कॉरिडोर 1 और 2 को इंटरचेंज पॉइंट होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां आने स्थानों के लिए मेट्रो बदलने की सुविधा होगी। बिहार में 4 खंडों में हो रहा आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का फंसापेच। बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरने वाली करीब 198.4 किलोमीटर लंबाई आमस दरभंगा फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का पेच फंसता नजर आ रहा है। बता दें कि यह पेच इसलिए फंस रहा है क्योंकि राज्य के 3 जिलों में जहां से यह सड़क होकर गुजरेंगी वहां जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आया है। बता दें कि जिन 3 जिलों में जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आया है उनमें बिहार की राजधानी पटना, जहानाबाद और गया शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक्सप्रेसवे बिहार के जिन 7 जिलों से होकर गुजरने वाली है उनमें पटना, जहानाबाद और गया समेत औरंगाबाद, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमस दरभंगा फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का कुल लागत 6,927 करोड़ रुपए है। मालूम हो कि इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए वर्ष 2025 तक के समय को निर्धारित किया गया है। पटना में एक ट्रक शराब बरामद।
बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब से जुड़ी घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी के ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां बीती रात एक ट्रक अंग्रेजी शराब मिलने की खबर आई है। बता दें कि इस खबर के मिलने के बाद इस जगह पर मद्य निषेध पुलिस के द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है और यह जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहाँ से लाया गया है और कहाँ लेकर जाया जा रहा था। हालांकि अब तक इन सभी सवालों के जवाब का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा इस मामले में 3 लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है और साथ ही शराब की मात्रा कितनी है उसकी भी गिनती की जा रही है। 20 मई को गया में रोजगार शिविर। अगर आप भी 18 से 35 वर्ष के हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 20 मई को गया के अवर प्रादेशिक नियोजनालय केंदुई में राज्य के 8वीं 10वीं 12वीं ITI और ग्रेजुएट पास बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें RDAD सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा मैनेजर, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, फील्ड ऑफिसर, IT टेक्नीशियन, टेलीकॉलर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड एवं विभिन्न पदों पर 250 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि इस रोजगार शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को NCS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मालूम हो कि इस रोजगार शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ अपना बायोडाटा और जरूरी दस्तावेज जरूर रख लें। राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ। एक बार फिर से जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि आज यानी कि 18 मई को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इस मामले को लेकर लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पूछताछ के लिए राबड़ी देवी दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंची है, जहां सुबह 11 बजे से ही उनसे पूछताछ की जा रही है और खबर लिखे जाने तक पूछताछ चल ही रही थी। बता दें कि इससे पहले 16 मई को CBI के द्वारा इस मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव के करीबी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और साथ ही पूछताछ भी की गई थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गुरारू और रफीगंज स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही अमृत भारत योजना के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अंतर्गत आने वाले छोटे रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाना है। बता दें कि इसी योजना के तहत गया से सटे गुरारू व रफीगंज स्टेशन का भी विकास कार्य किया जा रहा है। बता दें इस योजना के तहत स्टेशन पर नई सुविधाओं के साथ ही पुरानी सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गुरारू व रफीगंज रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, संपर्क मार्ग, पानी की निकासी के साथ पैदल आने जाने वाले यात्रियों के लिए पाथवे का निर्माण, स्टेशन भवन के बाहरी स्वरूप में सुधार एवं पोच का निर्माण, प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण, प्लेटफॉर्म पर सेट विस्तार, सरफेस में सुधार का कार्य, द्वितीय प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया, डिजिटल क्लॉक, ऑटो अनाउंसमेंट, अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट काउंटर समेत अन्य सुधार एवं सौंदर्यकरण कार्य किए जाएंगे। बिहार के 250 डॉक्टरों को मिला कार्य अवधि विस्तार। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के उन 225 डॉक्टरों के कार्य अवधि का विस्तार कर दिया गया है, जो बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में संविदा पर काम कर रहे थे। बता दें कि अब उनके कार्य अवधि में 1 वर्ष का विस्तार हो गया है, यानी कि संविदा की अवधि जिस दिन इनकी समाप्त होगी उसके 1 साल बाद तक ये सभी डॉक्टर अपने कार्य को जारी रख सकते हैं। बता दें कि इसके लिए विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में स्थायी डॉक्टरों के साथ संविदा वाले डॉक्टरों के भी 35 से 40% पद रिक्त है। ऐसे में इन सभी रिक्त पदों को भरने की कोशिश की जा रही है। मालूम हो कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस वर्ष लगभग 250 संविदा पर कार्य कर रहे डॉक्टरों के कार्य अवधि का विस्तार किया जाना था, लेकिन इस पर विचार करने के बाद 225 डॉक्टरों के कार्य अवधि का विस्तार किया गया। 30 मई से 30 जून तक घर घर संपर्क करेगी भाजपा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीजेपी की ओर से घर घर संपर्क करने की योजना बना रही है। मालूम हो कि बीजेपी की ओर से 30 मई से 30 जून तक बिहार के सभी 40 लोकसभा सहित देश के 534 सीटों पर जनसंपर्क किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस दौरान बीजेपी की ओर से 50 बड़ी रैलियां और जनसभा के साथ ही 396 लोकसभा क्षेत्र पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके लिए 2 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं जिला स्तर पर इसके लिए 6 सदस्यीय और मंडल स्तर पर 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। बता दें कि इस दौरान प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के 250 प्रभावशाली परिवार से संपर्क किया जाएगा। बिहार की राजधानी पहुंचते ही सीएम नीतीश पर गरजे RCP सिंह। आज यानी कि गुरुवार को जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं उनके आगमन को लेकर पटना एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय के रास्ते तक में जगह जगह पर RCP सिंह के होर्डिंग, बैनर और झंडे लगाए गए थे। बता दें कि RCP सिंह के द्वारा पटना पहुंचते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का
कुछ होने वाला नहीं है, वह खत्म हो गए हैं। जेडीयू पार्टी का अब कुछ नहीं होने वाला, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं वह जनता भी देख रही है। अब वह बस घूमने वाले नेता हो गए हैं, पर्यटक की तरह घूम घूम कर लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, जनता उन्हें जवाब देगी और ये बात वो भी समझ चुके हैं, इसलिए वह इधर उधर घूम रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होगा। माही के आईपीएल में संन्यास पर बोले केविन पीटरसन। एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल से संन्यास लेने की खबरें शुरू हो गई है। बता दें कि अब उनके आईपीएल से संन्यास लेने पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के द्वारा बिटवे के लिए अपने कॉलम में लिखा गया कि मैं रविवार को धोनी के लैप ऑफ ऑनर के समय चेपॉक में मौजूद था और यह देखना काफी खास था कि स्टेडियम कैसे पूरी तरह से भरा हुआ है। मुझे बेहद आश्चर्य होगा अगर यह धोनी का आखिरी सीजन होगा। मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल वास्तव में काफी मदद करता है, जहां वह 20 ओवर के लिए विकेट कीपिंग करते हैं और जहां भी चाहे बल्लेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह एक कप्तान के रूप में अपने फैसलों से टीम को बेहतर बनाते हैं और उसकी कीपिंग जबरदस्त रही है। ऐसा नहीं है कि वह ऊपर के ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, वह कुछ गेंदों को खेलने के लिए 7, 8 या 9 नंबर पर आते हैं। धोनी के पास 8 या 9 महीने तक आराम करने का वक्त होगा। वह अपने घुटनों को ठीक करे और खुद को फिट करके अगले सीजन दूसरे सीजन के लिए तैयार करे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सीजन में हम धोनी को आखिरी बार नहीं देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि देश में हर कोई चाहता है कि वह एक और सीजन खेले। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, सुरुचि कुमारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, धीरेन्द्र कुमार ऋषिदेव, अनवर करीम खान, योगेंद्र रजक, शंकर मुखिया, मोटू रंगीला, के सिन्हा, उमेश ऋषिदेव, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार ग्रेजुएशन 3 वर्षीय होने के बजाय 4 वर्षीय होना छात्रों के लिए फायदेमंद है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखकर चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो इसको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।